हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2019 सेशन वाले स्टूडेंट्स के री रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्योंकि दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि जुलाई 2019 सेशन वाले स्टूडेंट्स को अपना री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा। दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जून में या फिर अगस्त या फिर सेप्टेम्बर में अपना एडमिशन करवाया होगा। सो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स जुलाई 2019 सेशन वाले हैं, जिनका वन ईयर वाला एनुअल प्रोग्राम है जो कि इग्नू से बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, दोस्तों आप सभी को अपने अगले क्लास के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों, अगले क्लास में एडमिशन करवाने को ही री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है और इग्नू की तरफ से जब भी कोई नया नोटिस या नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिल पाएगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जुलाई 2019 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किए गए। जनरली दोस्तों, इसे 15 मार्च तक स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक इग्नू की तरफ से ऐसा कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसके लिए जो टर्म्स कंडीशंस दी जाती हैं उन्हें दोस्तों आप यहाँ पे इस पेज में देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन से संबंधित आप स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों, अगर आप अपने जून 2020 में एग्ज़ाम्स में अपियर नहीं कर रहे हैं या फिर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तब भी आप अपने अगले ईयर के लिए, अगले सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों यहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर वाले हैं या फिर सेकेंड ईयर वाले, उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी अगली क्लास के लिए, मतलब सेकेंड ईयर के लिए या फिर थर्ड ईयर के लिए, और जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, उन सभी को अपने सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि दोस्तों, काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जाएंगे, तब आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आपने अगर अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप उसकी स्लिप यहाँ पर हमें दिखाइए, तभी आपके असाइनमेंट्स वहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक इग्नू की तरफ से आपके री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किए गए। जल्दी ही 1 से 2 वीक के अंदर आपके री रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों, जैसे ही इस बार आपके री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जाएंगे, उस टाइम पर मैं आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ में री रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को देख के और अपना री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अभी जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों आप अपने असाइनमेंट्स भी अपने अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवा दीजिए। दोस्तों, जल्दी ही आपके री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आपके री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जाएंगे, उस टाइम पे आपको यहाँ पे एक नया वीडियो मिल जाएगा आपके री रजिस्ट्रेशन से संबंधित। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।